कि आज आप लोगों को कोई पत्र लिखना पड़ा, क्या मांग? हम लोग 2 अक्टूबर से मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए आज हम लोगों ने फोन से पत्र लिखा है। क्या मांगे? हमारी मांग यही है कि हम लोग को नियमित किया जाए, और जैसे 9000 में हम लोग का इसमें घर का खर्चा नहीं चलता है, 9000 में घर का क्या किसी खर्चा नहीं चलता है, तो 9000 हम लोग का सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोग का हनन हो रहा है, तो इसलिए हम लोग सरकार से नियमितीकरण का मांग कर रहे हैं। और 10 साल से हम लोग संविदा पे कर रहे हैं, और 10 साल बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसलिए हम लोग सरकार से नियमित होने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है? अलका रानी। हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है सरकार से कि हम अनुदेशकों को जो है नियमितीकरण कर दिया जाए। हम लोग एक शिक्षक विभाग जो है शिक्षण कार्य में सहयोग करते हैं, हम लोगों को संविदा पे रखा गया है, और हमारा मानदेय जो है 9000 है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम मांग करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कि समान कार्य समान वेतन हमको लागू किया जाए, और जब तक लागू नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों का हाई कोर्ट सिंगल बैंक डबल बैंक का जो आदेश है 17000, वो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि वो 17000 जो है अतिशीघ्र हमको लागू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार हम गरीब शोषित अनुदेशकों से लड़ने के लिए गई है, हम सरकार से जो है आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमसे अपने ही कर्मचारियों से लड़ाई न करके हमको भी सम्मान दे, जिससे हमारा सामाजिक आर्थिक शोषण हो रहा है उससे हमको जो है बचाया जाए। 2 अक्टूबर से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, मतलब कि हर रविवार को बैठ रहे हैं, कोई अधिकारी सुन लेने नहीं आया? कोई अधिकारी जो है नहीं आते हैं। SDM महोदय के द्वारा जो है हमारा जो है ज्ञापन लिया जाता है, लेकिन अगर यदि हम लोगों की मांग 15 दिसंबर तक पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग जो है लखनऊ के लिए बाध्य होंगे, एक विशालदार धरना हम लोग करेंगे। क्या नाम आपको? मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है, मैं अनुपरिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन जनपद बस्ती का जिला अध्यक्ष।